अब इसमें अगर आप देखें तो यही वेस्टेज है। यहाँ पे बेसिकली दो आईपीस रिक्वायर्ड थे, एक इस इंटरफेस के लिए, एक इस इंटरफेस के लिए। यहाँ पे भी दो आईपीस रिक्वायर्ड थे, तो हमने पूरा सबनेट उसको दे दिया। दिस इज कॉल्ड वेस्टेज। और अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें थ्रू VLSI, तो इसका बहुत ही कह लें एफिशिएंट वे है। और इस एफिशिएंट वे से हमें यहाँ से कैलकुलेशन भी हुई है, ठीक है, 30 माइनस 2 हमने 28 यहाँ पे वेस्ट कर दिए, और बाकियों में भी कुछ ना कुछ आईपीस वेस्ट हुए, बट वो वेस्ट नहीं हो रहे, दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज़। तो ट्रेडिशनल सबनेटिंग जो कि फिक्स लेंथ सबनेटिंग है, वो इतनी एफिशिएंट नहीं कंसिडर की जाती और इसमें वेस्टेजेस हैं। तो VLSM को डिप्लॉय करने का या VLSM की टेक्निक को यूज़ करने का फ़ायदा यही है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसमें ये होता है कि सबनेट मास्क वेरी करेगा और उसकी लेंथ भी वेरी करेगी। लाजमी नहीं है कि वो आप 3 बिट्स के साथ सबको सबनेट करें, आप शायद 4 बिट्स कहीं पे यूज़ करें, कहीं पे 4-5 बिट्स यूज़ करें। तो यहाँ पे अब देखें तो ये स्नैरियो है। अब इसमें जो रिजल्टिंग टिपोलॉजी बनेगी वो कुछ इस तरह की है। इसमें यहाँ पे 25 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 32 का ब्लॉक यूज़ किया। इसी तरह यहाँ पे 20 की रिक्वायरमेंट थी, तो 32 का हमने ब्लॉक यूज़ किया। यहाँ पे 15 की रिक्वायरमेंट थी, तो फिर हमने 32 का ब्लॉक यूज़ किया। इसी तरह 28 के ऊपर भी हमने 32 का ब्लॉक यूज़ किया, क्योंकि रिक्वायरमेंट वेरी कर रही है। यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट 2 की है, यहाँ पे देखें एक आईपी यहाँ पे है, एक आईपी यहाँ पे, देयर इज ओनली 2 होस्ट आईपी हम इनको कह रहे हैं, ठीक है। तो 2 वैलिड आईपीज आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 to 4 को सबनेट करने जा रहे थे, अगर हम लास्ट स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे हम देखें तो हमने 1 to 8 से अनवर्ड पूरा 32 का सबनेट यूज़ किया है /27 के साथ। अगर हम इस सबनेटिंग को सिर्फ 2 बिट्स के साथ सबनेट करें, तो ये हमारे पास 30 के साथ सबनेट मास्क आएगा, दैट इज 252। और इसका जो आईपी स्टार्ट हो रहा है 2 to 4 से स्टार्ट होगा, इसको मैं ये कह रहा हूँ, इसका जो आईपी है दैट विल बी 2 to 4। इसका जो 5 होगा दैट विल बी फर्स्ट यूजेबल आईपी, 6 जो होगा वो इसका सेकंड यूजेबल आईपी होगा, और 7 इसका ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। ये 2 PCs के आईपीज होंगे और ये वाला ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं, ठीक है। ये जो शुरू वाला है ना, ये नेटवर्क आईडी हो गया। 2 to 4, 2 to 5 जो होगा वो हमारा फर्स्ट इस इंटरफेस का आईपी होगा, 2 to 6 जो होगा वो इस इंटरफेस का आईपी होगा, और 2 to 7 इसका ब्रॉडकास्ट होगा। तो ओवरऑल जो हमारा ये सबनेट है, ये 2 raised to power 2 bits के साथ है, -2 अगर हम इसको कैलकुलेट करें फॉर होस्ट, क्योंकि होस्ट रिक्वायरमेंट 2 वैलिड होस्ट है ना, तो हम कहते हैं 2 raised to power, या आ गया 4 minus 2, तो ये पीछे आपके पास क्या बचेगा, 2 वैलिड होस्ट। तो ये 2 वैलिड होस्ट कौन से हैं, ये 2 to 5 है और 2 to 6 है। बस ये थोड़ा सा बीच में कैच है जो आपने समझना है, कि हमारे पास अगर 2 बिट्स हम यूज़ करें, यहाँ पे हम जैसे टेबल बनाते थे तो हमारे पास 8 बिट्स आती थी, ये जो आखिरी 2 बिट्स हैं इनको हम होस्ट पोर्शन के लिए यूज़ कर दें, ठीक है, और इसको 0-0 कर दें, और बाकी सारी जितनी भी थी इन सबको 1 कर दें, तो ये 24 + 6 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 24 + 6 30 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं /30, और ये जो 2 बिट होस्ट में है इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 2 raised to power 2 minus 2, ये होस्ट के लिए, ठीक है। तो सबनेट कितने निकलेंगे ये हम नहीं कैलकुलेट कर रहे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में हम हर सबनेट को सेपरेटली ट्रीट करते हैं, उसमें ये नहीं होता कि सारे सबनेट्स कितने निकलेंगे। हम ये कह रहे हैं होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, हमेशा VLSM में नंबर ऑफ होस्ट को देखा जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो हमने कहाँ से यूज़ किए, 2 to 4 से, 2 to 5, 2 to 6 एंड 2 to 7। अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ कि 2 to 8 से अनवर्ड हमारे पास सारे आईपी अभी फारिग पड़े हैं, तो यस इट इज़ करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट हो रहा है 2 to 8 से, ना कि लास्ट लैब में देखें तो यहाँ पे 160 से जाके नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। दिस इज समथिंग कि हमने वेस्टेज को इग्नोर किया, यहाँ से हमने वेस्टेज को बचा लिया। अब एग्जैक्टली जैसे ही 2 to 7 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो 2 to 8 से हमने नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट किया, इसके 2 to 9 इसका वैलिड आईपी है, और फिर इसके बाद 3030 इसका वैलिड आईपी है, सॉरी मेरी ज़रा माउस से राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, 2 to 8, 2 to 9, 30 एंड 31 इज़ द ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ये 4 IPs को हमने लेके 2 वैलिड IPs को यूज़ कर लिया, और हमने 32 से आनवर्ड नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट कर ली। तो इससे हमारी वो जो वेस्टेज हो रही थी वो भी ख़त्म होगी, ऑलमोस्ट ख़त्म होगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत वेस्टेज है होगी, लेकिन दैट इज़ अकोमोडेटेबल, इसको हम नहीं
सॉल्व करते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। अच्छा, एक इसका क्विक ट्रिक है या बेस्ट प्रैक्टिस है, वो ये है कि जब भी आप VLSM यूज़ करेंगे सबनेटिंग करने के लिए, ये टेक्निक यूज़ करेंगे, तो आपने हमेशा रिक्वायरमेंट को असेस करना है और टेबल में सबसे पहले वो सबनेट डालना है या वो नेटवर्क डालना है जिसका सबसे ज़्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें सारे होस्ट की रिक्वायरमेंट 25, 20, 15 ऑलमोस्ट सेम ही है और इसमें भी सबकी सेम है, तो हम किसी सीक्वेंस में भी जा सकते हैं। पहले हम बड़े सबनेट्स को कंसिडर करते हैं, पहले इनको निकालेंगे, फिर छोटे सबनेट्स की तरफ आएंगे, ये छोटे सबनेट्स हैं, ठीक है। तो पहले हमने इनकी कैलकुलेशन की, इनको सबनेट्स असाइन कर दिए, फिर हमने इनकी सब कैलकुलेशन की। तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि पहले हमेशा VLSM में बड़े सबनेट्स को पहले कंसिडर करना चाहिए। ये थोड़ा सा ये वाली जो एग्जांपल होगी ये इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। और इस मैं इसको असाइनमेंट नहीं कह रहा, इसको हम VLSM लिख देते हैं और जो रिक्वायरमेंट हमारे इस लैब के अंदर है हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, दिस इज VLSM डिज़ाइन लैब और इसमें कह रहा है कि आपके पास दो राउटर्स हैं, बिल्डिंग वन का राउटर है एंड बिल्डिंग टू का है, देन फोर स्विचेस हैं और फोर होस्ट हैं। बट रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट, के कह रहे हैं नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स को एग्जामिन करें और डिज़ाइन द VLSM एड्रेसिंग स्कीम। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि आपने VLSM ही यूज़ करना है, देन आपने IPs को असाइन करना है। अभी इसकी कंप्लीशन 0% है और कह रहा है कि ASW1 जो LAN है, अगर हम इसकी LANs को भी देख लें तो दिस इज़ समथिंग, वही सेम लैब है, बिल्डिंग वन यहाँ पे है, इसके साथ ये दो नेटवर्क्स हैं, ASW ये वाला है और ये AS है। ASW से बनता है एक्सेस लेयर स्विच 1, एक्सेस लेयर स्विच 2, एक्सेस लेयर स्विच 3 एंड एक्सेस लेयर स्विच 4। हम इसी को 1, 2, 3, 4 को LANs भी कहेंगे, ठीक है। AS1 जो है वो हमारा LAN 1 है, तो बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग 1 के राउटर के साथ है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, 14 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पोर्शन है दिस वन, इसमें 14 आपके पास होस्ट होने चाहिए, बल्कि हैं इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 30 होस्ट होने चाहिए स्विच 2 के साथ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉब्ली ये लिखा हुआ है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, सॉरी, ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसके साथ 14 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसके साथ 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट है और इसके साथ 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट है और इसके साथ 6 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अब जो सबनेटिंग आप करेंगे वो आपने सीक्वेंस जो बनाना है वो, जैसे आप नेटवर्क आईडी उठाते हैं और एक फ्लो में आप ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। अभी आपने जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना। ये हमारा नेटवर्क आईडी है जो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ 10.11.48, तो दैट कैन बी एनी नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मेरे पास नेटवर्क है वो ये वाला है, ठीक है। और इसके साथ मैं इसको लिख रहा हूँ कि जो ASW है, ठीक है, मैं यहाँ पे सबनेट 012 को नहीं लिख रहा, बल्कि मैं डायरेक्ट ये लिखने जा रहा हूँ कि आपके किस नेटवर्क में क्या रिक्वायरमेंट है। ये SW2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, इसको हम 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ये आपने VLSM इम्प्लीमेंटेशन से भी पहले खुद पहले प्लान करना होता है, ठीक है, ये आपने प्लान ला। अब इसमें रिक्वायरमेंट वेरी कर रही है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बट सब के लिए नहीं करेंगे, हम हर नेटवर्क को अलहदा से ट्रीट करेंगे। ये जो स्विच 1 का नेटवर्क होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा, इसका सबनेट मास क्या होगा, हर चीज़ हमने सेपरेटली अलहदा से प्लान करनी है। तो हम अभी इस वाली कैलकुलेशन में जा रही, लेकिन फार्मूला इनका यूज़ करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 30 होस्ट रिक्वायर्ड हैं, इसमें 60 होस्ट रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले हमें कौन सा नेटवर्क प्लान करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्विच ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमने स्किप की कि हमने कहा था कि सबसे बड़ा सबनेट सबसे पहले होना चाहिए, तो हमें AS4 को सबसे पहले रखना है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 60। मैं इसको ब्रैकेट में 60 कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमें इसमें 60 IP चाहिए। और इसके बाद जो लार्जेस्ट सबनेट है दैट इज़ 30 होस्ट रिक्वायर्ड है,
तो हम दिस इज बेसिकली स्विच टू का नेटवर्क है, इसमें 30 रिक्वायर्ड है. द नेक्स्ट वन इज द 14 वन, तो दैट इज वन, और इसमें हमें 14 रिक्वायर्ड है. इसके बाद हमें थ्री में 6 रिक्वायर्ड है सो फार. अभी ज़रा गौर से देखना है हमने क्या किया. हमने सॉर्टिंग कर ली, जिसकी सबसे ज़्यादा होस्ट रिक्वायर्ड है उसको सबसे टॉप पे ले गए, दैट इज़ ASW4, इसको हाईएस्ट नंबर ऑफ IPs रिक्वायर्ड थे, इसको उससे कम थे, उसको उससे कम थे, हमने सॉर्टिंग कर ली इसके ऑर्डर के हिसाब से. नेक्स्ट कह रहा है कि विच सबनेट मास्क विल अकोमोडेट द नंबर ऑफ IP एड्रेसेस. ओके, अगर हम खुद कैलकुलेशन कर लें देन हम इन क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो ज़्यादा आसान हो जाए. अब इसी यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि स्विच 4 का जो नेटवर्क है इसके साथ 60 होस्ट हैं. हाउ वी कैन अकोमोडेट 60 होस्ट. तो हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ होस्ट की, दैट इज 60. तो हमारे पास होस्ट का फार्मूला है 2^n. तो हाउ मैनी नंबर ऑफ बिट्स वी कैन यूज़ 2^ अगर हम 5 करेंगे तो -2 करेंगे तो दैट विल बी 32, -2 दैट विल बी 30. तो क्या ये 60 को अकोमोडेट करेगा? प्रॉब्ली नहीं करेगा. ठीक है, तो हम एक बिट और लेते हैं, तो हम 6 बिट्स को यूज़ करते हैं. 2^6 इक्वल्स टू 64, और ये हो जाएगा हमारे पास 64 -2 दैट विल बी 62. अब क्या ये 60 होस्ट को अकोमोडेट कर रहा है? यस. और इसमें हमने कितने नंबर ऑफ़ बिट्स यूज़ किए हैं नेटवर्क होस्ट पोर्शन में? ये हमने 6 बिट्स यूज़ किए हैं. तो यहाँ पे देखें तो ये जो ऊपर हमारा वाला प्रॉब्लम था यही बिल्कुल इसी से ही सॉल्व हो रहा है कि हमारे जो नंबर ऑफ, इसको अपना बेशक देखें, ये जो हमारे इसमें होस्ट बिट्स हैं तो अगर हम 6 यूज़ करें 6 बिट तो हमारे पास 60 वाला नेटवर्क रिक्वायरमेंट अकोमोडेट होता है. इसका मतलब है 2 बिट्स हमने नेटवर्क को दिए हैं, तो दैट इज़ 24 + 2 = 26. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स शुड बी 26, इसका सबनेट मास्क 255.255.192 होना चाहिए एज पर आर रिक्वायरमेंट कि हमने 2 बिट्स यूज कर ली, 192 आ गया. और इसका सबनेट एड्रेस अभी हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है. तो एक तो हमें इसके 2 बिट्स से ये पता चल गया कि प्रीफिक्स क्या आएगा और इसका सबनेट मास्क क्या आएगा. तो सबनेट मास्क भी इसकी 2^2 है, 192 + 64 करें तो आपका 128 + 64 करें तो ये 192 आ जाता है. ठीक है, ये प्रॉब्ली जब आप ये कैलकुलेट करते जाएंगे /25 के साथ करेंगे /26 के साथ करेंगे तो ये वेरी करेगा. ठीक है, और इसका सबनेट एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन बताएगा सबनेट एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जो इसको हम सबनेट असाइन करेंगे? ओके, इन द चैट विंडो यहाँ पे सबनेट एड्रेस क्या होगा? कहाँ गया हमारा? यहाँ पे हम कहीं रिक्वायरमेंट लिख रहे थे, ये था, ये हमारा स्टार्ट था 10.11.48.0. अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लूँ तो दिस इज़ बेसिकली, क्योंकि ये जो बिट का है, अभी देखिए ये है क्लास ए का एड्रेस है, 10 का है, तो 10 क्लास ए में आता है, बट हमने प्रीफिक्स से आइडेंटिफाई करना है कि कितने बिट्स सबनेट में आए नेटवर्क पोर्शन में. तो प्रॉब्ली ये सारे 24 बिट्स जो हैं 10, 11, 20, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 10, 11, 48, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे जा रहे हैं? 8+8+8, ये हमारे नेटवर्क पोर्शन में जा रहे हैं. इससे हमें क्लियरली पता है कि हमने इस पोर्शन को तो चेंज करना ही नहीं है, प्रॉब्ली हम इसमें चेंज करें. तो ज़ीरो इज आर ज़ीरो सबनेट, या ज़ीरो से हम स्टार्ट लेते हैं शुरू में, जैसे यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट थी तो हमने /24 से ऑनवर्ड /26 से सबनेट किया पहला. अब इसका जो यूजेबल आईपी होगा दैट विल बी 10.11.48.1 से लेकर, सॉरी, 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? यस, 62, क्योंकि इसका जो ब्लॉक बना है, अगर किसी के जहन में आया हो तो ये ब्लॉक 64 का बना है, ये वाला फर्स्ट वाले का, तो ये कहाँ तक जाएगा? 10.11.48.63 तक जाएगा. ओके, अब ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी 60 होस्ट की, क्या ये इसमें पूरी हो रही है?
1.61 से लेकर 62, हमारे पास ये 62 आईपीज हैं, तो 60 हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सबनेट कैलकुलेट हो गया। क्या हम बाकी सारे भी /26 से कर लें, मतलब सबको /26/26? नो वे। VLSM का मतलब ये है कि वट एवर इज द रिक्वायरमेंट, जो अगले नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, ये हमारा नेटवर्क 4 था, ये हमारा नेटवर्क 2 है, तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है आपने वही आईपी ब्लॉक बनाना है और वही इसको सॉल्व करना है। अब मैं दूसरे सबनेट को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क कहाँ से अवेलेबल है, 10.11.48.63 पे आईपी ख़त्म हो रहे थे ना, ब्लॉक पहला हमने यूज़ कर लिया, इसको हम कहते हैं दिस इज़ यूटिलाइज्ड। अब अवेलेबल क्या है, 64 से ऑनवर्ड अवेलेबल है। तो अब हमें कितने चाहिए, अब आपके पास ये वाला समझ लें ब्लॉक अवेलेबल है 64 से ऑनवर्ड और हम इसको सबनेट करने जाएंगे, ठीक है। तो 30 के लिए क्या चाहिए, 30 होस्ट के लिए 2^5 और इसमें 32 आईपीज आएंगे। जिन लोगों ने कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे हम होस्ट बिट्स 5 कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास 32 आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 30 यूजेबल। तो अगर हम 5 बिट्स को यूज़ करें होस्ट पोर्शन में तो हम ये 30 का नंबर अचीव हो सकता है। तो अगर हमने 5 होस्ट बिट में यूज़ किए हैं तो 8-5 = 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। तो 24 + 3 हमारी 3 बिट्स हमने यूज़ किए हैं सबनेटिंग के लिए, कहाँ के 32 का हमारे 32 कंप्यूटर आईपीज हमें मिल जाए। अब इसका जो सबनेट मास्क होगा वो भी 192 नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के माइक अनम्यूट है, अच्छा अगर कोई म्यूट करना चाहता है तो खुद अपना म्यूट कर लें। ओके, /27 के साथ जो आपका मास्क आता है दैट इज 224, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि हमने अब इसमें 3 बिट्स यूज़ किए हैं, और क्यों किए हैं, ताकि हमारा जो ब्लॉक साइज़ है वो 32 का बन जाए, 30 का बन जाए, ताकि हमारे वेस्टेजेस ना हो। तो हमारे 10.11.48. क्या आएगा, फर्स्ट यूजेबल आएगा 65, क्योंकि ये इससे आगे आएगा। 65 से आगे कहाँ तक जाएगा, यस 126 तक, क्या सही मैंने लिखा है, किसी के जहन में कोई चीज आ रही हो, क्या ये सही है 65 से 126 तक मैंने सही लिखा है यार? अगर माइक का इशू है तो चैट पे जाते हैं। ओके, उजैर मुख्तार कह रहे हैं नहीं है, और प्रॉब्ली माइक से डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं एक मिनट माइक्स को म्यूट ही कर देता हूँ। ओके, म्यूट ऑल कर दिया मैंने। ओके अच्छा गुड, उजैर कह रहे हैं कि नहीं होगा, सदाकत भी कह रहे हैं गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम इसके 64 के ब्लॉक साइज़ के साथ नहीं जा रहे हैं, अभी हम 32 के ब्लॉक साइज़ के साथ जा रहे हैं। तो हमारा ये ख़त्म होना चाहिए, इट शुड बी 90, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए यार, 94। ओके, ये होना चाहिए 65 से लेकर 94 तक होना चाहिए, और इसका ब्रॉड फॉर जो होना चाहिए वो 95 होना चाहिए। 96 से हमारे पास नेक्स्ट सबनेट अवेलेबल होगा। इसको आसान ये है, 64 + 32 करें, क्विक मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली मैं कैलकुलेटर रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको विजुअली दिखाने के लिए मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि 64 हमारा स्टार्ट है और इसमें अगर हम 32 आईपीज ऐड करें तो दिस विल गो अप टू 96। तो 95 ब्रॉडकास्ट होगा, लास्ट हमारा इसका कह लें आईपी है, और 96 से हमारा 10.11.48.96 नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट सबनेट, ठीक है। व्हाटएवर जो भी पीछे चाहिए हम बाद में देखेंगे। तो दिस इज एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द 30 होस्ट, ठीक है। तो हमने इसको ब्लाइंडली नहीं करना कि बस जैसे पहले हमने 64 का निकाला था तो अब भी ये 64 का होगा। नाउ इट इज़ 30 होस्ट, 32 होस्ट के ये वाले 30 एंड 32 के ब्लॉक वाले पे आ रहे हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, 14। तो 14 तो और कम होगी, इसको हम अकोमोडेट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, नंबर ऑफ बिट्स को 4 यूज़ करूँ होस्ट पोर्शन के लिए, मतलब ये है कि ये जो होस्ट पोर्शन है
इनको हम नेटवर्क में डाल देंगे, और ये जो होस्ट पोर्शन है इसमें हम सिर्फ 4 बिट्स यूज़ करेंगे। तो 4 बिट्स, ये जो 0 बिट्स होंगी, 2 raised to power 4 होगा 16, 2 into 2 into 2 into 2 करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। और अगर आप वैलिड होस्ट निकालना चाहते हैं, यूजेबल होस्ट निकालना चाहते हैं, तो ये -2 करके 14 आ जाएगा। क्या ये चीज़ हमारी फुलफिल कर रही है इस रिक्वायरमेंट को? यस, 14 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी होगी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 24 पीछे बिट्स थे हमारे पास नेटवर्क पोर्शन में, तो ये वाले 4 भी हमने ऐड किए, तो 24 + 4 = 26, सॉरी 28। तो 28 हमारे पास यहाँ पे आएगा, प्रीफिक्स क्या आएगा, 28। तो ये 255255.240 आएगा, नॉट 224। अब ये कैसे 240 आता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे ही कैलकुलेट करके बताता हूँ। जो हमारी इसकी पावर्स थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128, ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, अब 2 की पावर 7। अगर आप इन पावर्स को कैलकुलेट करेंगे, ये 4 जो हैं, तो हम अगर कैलकुलेटर में कर देते हैं आप लोगों को, ताकि नज़र भी आए, तो मैं इसको नॉर्मली, आप लोगों ने ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आप पेपर वर्क ही करेंगे, 128 + 64 + 32 + 16। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 240 हमारे पास नंबर आता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये जो सबनेट मास्क में लिखा था, ये 22240 लिखा था, क्योंकि हम कंप्यूटर में /28 एंटर नहीं कर सकते, हमें ये नंबर चाहिए। तो हमने इसको कैलकुलेट किया कि अगर हम 48 बिट्स नेटवर्क पोर्शन में दें, तो पीछे तो 24 बिट्स हमें 255 255 255 मिल जाता है इसका, लेकिन इन 4 का क्या मिलेगा? तो दिस विल नॉट बी 0, दिस विल नॉट बी 255, ये कोई ना कोई नंबर आएगा। तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर ये 224 240 होगा। क्यों होगा? कि हमने ये 128 64 32 16। एक चीज़ याद रखें, अपने जब भी सबनेटिंग कर रहे हैं, इस तरह का एक टेबल अपने सामने रखें और ये नंबर्स उसके नीचे लिख के रखें हमेशा। इसका फ़ायदा यही है कि आपको क्विक, आप फौरन कैलकुलेट कर लें। इसको ऐसे भी लोग कैलकुलेट करते हैं, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, सॉरी 8 + 4 = 10, और यहाँ पे आ गया, सॉरी 6 + 4 आप जाएगा 10 और 8 + 2 = 10, तो ये 0 आ जाएगा और 4 यहाँ से कैरी करके, और ये 24 आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से अब इसके यूजेबल होस्ट कहाँ से आएंगे, 10.11.48 तो फिक्स्ड है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी है, दैट विल बी 97, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये वाला नेटवर्क 16 है ना, तो 96 + 16 कर लें तो क्या आएगा, 96 + 16, तो दिस शुड बी 112। तो जो लास्ट आईपी होगा 10.11.48, ये होगा 111, क्योंकि 100 एंड, ये जो अभी कैलकुलेटर मैंने ऑफ कर दिया, ये जो हमने कहा था कि हमारे पास 96 + 16 का ब्लॉक बना है, तो 112 तक जाएगा। 112 जो होगा वो नेक्स्ट सबनेट होगा, 111 लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी है, और इससे जो पिछला आईपी होगा दैट इज 110, ये हमारा इस सबनेट का लास्ट यूजेबल आईपी है, और यही VLSM है, ठीक है। देखें, अभी हम किसी भी फिक्स लेंथ मास्क को नहीं यूज़ कर रहे, वेरी कर रहे, 60 30 14। अगर हम 6 को कैलकुलेट करें, 10 11 48, अभी आपने चैट करना है, मुझे बताएं कौन सा मैं 4 सबनेट के लिए मैं यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस में क्या लिखूँ, सबनेट एड्रेस में, ओके, यस, हु कैन चैट, यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो हमारा सबनेट Switch 3 के लिए, कहाँ पे हमारे लास्ट कहाँ पे आए थे, 111 तक आए थे, तो डेफिनेटली 112 से हमारा सबनेट स्टार्ट होगा। कितने आईपी हमें चाहिए, 6 के लिए, हु कैन कैलकुलेट,
सिक्स आई पी, नंबर ऑफ होस्ट हमें सिक्स चाहिए। टू की पावर क्या यूज करूं, वट शुड बी, यस टू की पावर अगर हम वन यूज करेंगे तो टू, वन इज वन, टू की पावर टू यूज करेंगे तो फोर आ जाएगा, टू की पावर थ्री यूज करेंगे तो एट आ जाएगा। तो एट में प्रॉब्ली हमारा ये सबनेट, हम यहाँ पे टू की पावर थ्री यूज करेंगे, डेफिनेटली गुड। टू की पावर थ्री यूज करेंगे तो एट आ जाएगा, माइनस टू करेंगे तो हमारे पास सिक्स वैलिड होस्ट निकल आते हैं, ठीक है, वैलिड होस्ट लाजमी है, सिक्स होस्ट हमारे पास निकलते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी सिक्स होस्ट की थी, तो हमारी ये पूरी हो रही है। अब क्योंकि हमने कितने बिट्स यूज किए हैं, थ्री बिट्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, होस्ट बिट में सिर्फ तीन बिट्स होंगे, ये तीन होस्ट वाले, दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, और ये सारे जो होंगे ये वन होंगे, ठीक है। तो अब हम, हमारे पास नेटवर्क के कितने बिट्स मौजूद हैं, पहले थे 24 और 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे पास नेटवर्क पोर्शन में जाएंगे बिट्स, तो ये हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि इसका प्रीफिक्स स्लैश 29 होगा, ठीक है, तो दिस शुड बी स्लैश 29। और अगला क्वेश्चन आता है जो आप लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे मैं 255 के आगे क्या लिखूँ, 240 तो नहीं हो सकता, वो तो स्लैश 28 का था, स्लैश 29 के साथ क्या होगा। ओके, इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेबल बना हुआ था, मुझे पता है कि स्लैश 28 फोर बिट्स यूज करने के साथ मुझे 240 मिलता है, तो अगर एक बिट में और यूज करूँगा तो आई जस्ट नीड के मैं ये वाला 8 भी इसमें काउंट कर लूँ, इसका 240 आ रहा था ना पहले, तो इसमें 8 ये भी काउंट कर लूँ। तो यहाँ पे ये बेसिकली इन सब को आपने काउंट लगाना था, 128 प्लस 64 ये हो जाता है 192, प्लस 32 224, प्लस 16 240 और प्लस 8 248। इसके बाद आप 4 और ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप 252 पे चले जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच नंबर ऑफ बिट्स आपने नेटवर्क पोर्शन में रखे हैं। तो दिस इज समथिंग के आपने 5 बिट्स यूज किए और यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया 248। क्यों आया, 240 प्लस ये वाला 8 भी काउंट कर लेंगे, ये हमारे पास 248 आ जाता है, ठीक है। और इसके जो वैलिड नंबर ऑफ आई पीज होंगे 10.11.48, और कहाँ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये 12 से सबनेट स्टार्ट हुआ है, 112 से, तो 113 से ये स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएंगे, दे आर जस्ट 8 नंबर्स। तो अगर आप 12 से आगे 8 काउंट करें तो ये आ जाता है 20। तो मैं यहाँ से मैं थोड़ा, क्योंकि मैं कैलकुलेट दूसरी तरह करता हूँ, आप लोग वैसे 7 काउंट करके भी टोटल नंबर निकाल सकते हैं, 10.11.48.119, ठीक है, 120 इसके बाद 8 प्लस 8 करें, 112 प्लस 8 करेंगे जो यहाँ पे हमने निकाला, तो ये 120 बन जाता है और इसका 119 ये इसका ब्रॉडकास्ट होगा और 118 हमारे पास इसका लास्ट यूजेबल होगा। अभी अब काउंट करें 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, तो 6 वैलिड हमारे पास यहाँ पे निकल आते हैं, ठीक है। जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे ऊपर की थी 2^3 - 2, दिस शुड बी 8 नंबर्स, तो ये वो 8 नंबर्स हैं। अब इसमें इशू क्या था, हमने दो तीन चीज़ें रिजॉल्व की, ठीक है, क्या चीज़ें रिजॉल्व की, एक तो ये है कि किसी सबनेट की ओवरलैपिंग नहीं हो रही किसी और पे, हर सबनेट कहीं ना कहीं से शुरू होता है और कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाता है और उससे आगे दूसरा शुरू होता है। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने इसको सॉर्ट किया, पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ जो होस्ट थे उसको पहले रखा ताकि किसी भी सबनेट की ओवरलैपिंग ना हो और कम से कम वेस्टेज हो। अब देखें 60 हमने यूज़ करने थे, 60 यहाँ पे यूज़ किए, कोई वेस्टेज नहीं हुई, यहाँ पे 30 यूज़ करने थे, 30 यूज़ किए, कोई वेस्टेज नहीं हुई, 14 चाहिए थे, 14 यूज़ किए, कोई वेस्टेज नहीं हुई, इसी तरह 6 चाहिए थे, 6 यूज़ किए, कोई वेस्टेज नहीं। अगर हम सबको इक्वल लेंथ सबनेटिंग करते, सबको स्लैश 26 से सबनेट करते, तो ये भी 64 का ब्लॉक बनता, ये भी 64 का बनता, ये भी बनता और ये भी बन जाता। तो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि 14 और 6 ही चाहिए, यहाँ पे अगर 3 भी आपको, 4 भी चाहिए और वैलिड आई पीज भी, तो भी यही आंसर आएगा, बट 5 भी चाहिए तब भी ये आंसर आएगा, क्योंकि इसके बीच में एक मार्जन है, कुछ आई पीज वेस्ट हो सकते हैं
जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं। बट ये ऐसा नहीं करना कि आपने 6 यूज करने हैं तो 12 वेस्ट करने हैं, ठीक है। बड़ा ब्लॉक नहीं लेना, ब्लॉक वही लेना है जो अकोमोडेट कर सके, दैट इज गुड वन जो हमारे उस पर। अब हमने इस प्रॉब्लम को अभी देखें, लैब तो बहुत आसान सी थी, कुछ कमांड्स हमने लगानी थी और लैब कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन इसके पीछे प्लानिंग है। नेटवर्क बनाते वक्त आपने इन इन नेटवर्क्स को प्लान करना होता है। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दिस इज़ वेरी इजी एट दिस स्टेज कि हम इसको यूज़ करें। अब मैं टेबल नहीं बना रहा, ठीक है, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे बचा सकते हैं, बट आप लोगों के लिए रिकमेंडेड यही है कि जो आपका टेबल होता है, लाइक इस लैब में यहाँ पे एक टेबल होगा, ये वाला आपने ये टेबल बनाना है। मैं टेबल नहीं बना रहा, मैं जस्ट इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब लिमिटेड है, मैं उनको फॉलो करूँगा, ठीक है। अब इसने कहा डिवाइड द वर्ड सबनेट्स, और कह रहा है यूज द फर्स्ट सबनेट टू अकोमोडेट द लार्जेस्ट लैन, ये हमने कर दिया। सेकंड सबनेट अकोमोडेट सेकंड लार्जेस्ट, ये भी हम कर चुके हैं। मैं जस्ट इसकी असाइनिंग आईपी के ऊपर आता हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है, असाइन द फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस टू द बिल्डिंग वन फॉर द टू लैन लिंक्स एंड द वैन लिंक। तो बिल्डिंग वन को हमने कन्फिगर करना है, और बिल्डिंग वन के ऊपर कौन कौन से सबनेट्स हैं, 14 वाला है, 30 वाला है, तो प्रॉब्ली 1660 वाला मेरा ख्याल है ये लॉक्ड है, इसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। और स्विच ये भी सक्सेस हो रहा है, ओके, मे बी हमें स्विच को कॉन्फ़िगर करना पड़े। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं राउटर बिल्डिंग वन से, तो बिल्डिंग वन को देखें तो इसके साथ सबसे पहले ASW1 है, यहाँ से हम कैसे साइन कर सकते हैं ASW1, ओके, ASW1 को हमने कौन सा नेटवर्क दिया हुआ था, दिस वन, और इसके ऊपर हमने इसका इंटरफेस भी ज़रा वेरीफाई कर लेना है, गीगाबिट 0/0, ओके। थोड़ा सा क्योंकि हम टेबल नहीं बना रहे तो हम गैस कर रहे हैं, ठीक है, क्विक देख लेते हैं, मिस्टेक हुई तो हम ठीक कर लेंगे। इंटरफेस गीगाबिट 0/0, आईपी एड्रेस के नॉट DHCP, मैं इसको 97 करता हूँ, फर्स्ट यूजेबल आईपी, और 255.255.95.96 को हमने ये सबनेट किया था, 4 होस्ट के लिए, 240 14 होस्ट के लिए, इसका .240 आ गया, नो शट डाउन। मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ, ठीक है, आपने टेबल को फॉलो करना है। उसके बाद हम इंटरफेस गीगाबिट 0/1 पे जाते हैं, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये आ गया ASW2 है, ASW2 ये वाला है, ठीक है। तो प्रॉब्ली दिस वन शुड बी द नेटवर्क, और मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस इसका जो फर्स्ट यूजेबल आईपी है 65, उसको मैंने यूज़ कर लिया। सबनेट मास्क डिफरेंट नहीं यूज़ करना, अच्छा जो आपका यहाँ पे इसमें कैलकुलेटेड है वही करना है। 224 आ गया, नो शट डाउन, ये दो इंटरफेस हमारे आप हो गए। द वैन के ऊपर आईपी है कि नहीं है, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 10.11.48.121 इसके ऊपर पहले से आईपी लगा हुआ है और इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट पे आते हैं तो ये कह रहा है कॉन्फ़िगर द एड्रेस ऑन राउटर वन इंटरफेसेस, और स्विच थ्री को कॉन्फ़िगर करें, वेयर इज स्विच थ्री, दिस वन इज स्विच थ्री, और इसको कौन सा आईपी लगाना है, स्विचेस को आपने सेकंड यूजेबल लगाना है, तो स्विच थ्री को हम एक्सेस करते हैं, और इसका ASW3 है, तो ASW3 इज द दिस वन, इसका सेकेंड आईपी लगाना है, ठीक है। ये जो यूजेबल आईपी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लें, तो आपको VLAN का आईपी भी, देखिए VLAN 1 के ऊपर कोई आईपी असाइन नहीं है, तो हम इसको असाइन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN 1, और इसका आईपी एड्रेस जो होगा दैट विल बी नॉट फर्स्ट वन, ये था, सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN 1, और आईपी एड्रेस है, नेटवर्क है बेसिकली ये 12 है,
तो 13 इसके राउटर का होना चाहिए और 14 इसके स्विच का होना चाहिए। तो 255.255.255. तो ये 248 लिखना है, ठीक है। अगर आप ये 0 लिखेंगे तो ये कहेगा कि आपका सबनेट मास्क गलत है, नो शट डाउन कर दिया। ओके, ये रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी होगी। व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वन, कह रहा है होस्ट डी को भी आपने एक आईपी लगाना है। तो होस्ट डी को कहाँ पे है, ये इस नेटवर्क में है होस्ट डी, और ये किस स्विच के साथ कनेक्टेड है, ASW4 के साथ है। और ASW4 का हमारे पास क्या सिस्टम आया, ये आ गया, ठीक है। और इसका कौन सा आईपी लगाना है, लास्ट प्रॉब्ली लास्ट था स्विच, उसको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन होस्ट डी, असाइन द लास्ट यूजेबल आईपी ऑन द होस्ट। तो इसके हमें पता चल रहा है कि इसका लास्ट ही यूज़ करना। तो ये जो ASW4 वाला नेटवर्क है, इसका हमने 10.11.48 कहाँ पे जाके ख़त्म होता था, लास्ट यूजेबल आईपी इसका कहाँ पे, दिस वन 62 इज़ द लास्ट यूजेबल आईपी। तो हम इसको यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, 62.62 लास्ट यूजेबल है। अब देखें इसका मास्क डिफ़ॉल्ट उठा रहा है 255.0.0.0, आपने ये नहीं यूज़ करना, जो आपका कैलकुलेट हुआ है वही चीज़ कंप्यूटर को वही बताएगा कि आपकी सबनेटिंग क्या हुई है। अगर आप ये ज़ीरो कर देंगे कंप्यूटर समझेगा कोई सबनेटिंग नहीं है। और इसका एक नुकसान भी है कि अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मास्क यूज़ करेंगे तो वो कहेगा एवरीथिंग इज़ इन माई नेटवर्क, तो वो सारे सारे कंप्यूटर्स को समझेगा ये मेरी नेटवर्क में, हालांकि वो फिर बाद में पिंग भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल आपका मास्क के साथ है 192, यही आपने यहाँ पे यूज़ करा। और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें पता है कि इस नेटवर्क का फर्स्ट यूजेबल आईपी है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था और 1 इसका फर्स्ट यूजेबल है, ठीक है। मैं थोड़ी स्पीड लगाई है बट मैं कहीं पर मिस्टेक कर रहा हूँ। हम इसको चेक कर लेते हैं कि सो फॉर क्या हमने एक्टिविटी, ओके 90% हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें हमने राउटर पे आईपी लगाए, स्विचेस पे आईपी लगाए, स्विच 3 पे लगाया और इस पे लगाया। नाउ लेट्स चेक कि क्या चीज़ हमने कोई गलत की है। ओके, स्विच के ऊपर डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं लगाया, स्विच के ऊपर हमने सिर्फ आईपी वीलैन का लगाया था। और देखिए हमारे पीसी के ऊपर भी सही गेटवे लगा, आईपी भी सही लगा, राउटर्स के इंटरफेसेस पे भी हमने सही आईपी चूज़ किया। देखिए अगर हम कैलकुलेशन ना करते तो हाउ वी नो कि हमारा कौन सा आईपी लगेगा, 65 लगेगा, 128.129 लगेगा, क्या आईपी होगा। तो वंस वी प्लान्ड कि हमारा फर्स्ट यूजेबल आईपी है, लास्ट यूजेबल आईपी है, देन वी कैन गो और कॉन्फ़िगरेशन हम तब कर सकते हैं। तो ये वाला भी मसला हल कर लेते हैं स्विच का, दैट इज़ स्विच 3, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे लगाना है। तो स्विच 3 जो है वो ये वाला है और इसके ऊपर हमने एग्जिट किया, आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड लगाई यहाँ पे। और ये किस नेटवर्क में है, सॉरी मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ, ये वाला है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट राउटर का आईपी है, अब मुझे याद नहीं था, ठीक है, अभी मुझे नहीं याद था कि इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या है। तो मुझे इस टेबल से ही पता चल रहा है कि इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी जो कि राउटर का आईपी होता है, जो कि स्विच के लिए गेटवे होता है, वो ये वाला आईपी है। तो मैंने इसको लगा दिया विदाउट, देखिए 113 तो कोई भी नंबर हो सकता था, 114.56 भी लगा देते, लेकिन हमें टेबल से पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट यूजेबल आईपी। तो हम लेट्स चेक वेरीफाई करते हैं क्या ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी, यस 100% कंप्लीट होगी और इसमें हमारे ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी आ गए। और ये लैब आपके पास भी अवेलेबल है, ठीक है। और ये लैब है, व्हाट इज़ इट नंबर इसका क्या है, 11.9.3 है, ये VLSM की फास्ट लैब है। अच्छा, आप लोगों के लिए वैसे होमवर्क टाइप ये है कि जो इसके इसके साथ नेक्स्ट लैब है, सेम इसी तरह की लैब है, सिर्फ आईपी डिफरेंट है और उसकी जो प्लानिंग है वो डिफरेंट है, वो आपने खुद करनी है, ठीक है। मैं क्योंकि अभी टाइम 4:36 हो गए हैं, मैं वो लैब आपको नहीं करा रहा, जस्ट मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। अभी हमने ये वाली लैब की है VLSN डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, नेक्स्ट लैब भी सेम है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ VLSN स्कीम। नेक्स्ट जो भी हमारी लाइव सेशन होगा उसमें हम IPv6 और उसकी लैब और उसकी सबमिटिंग करेंगे। तो एक ही दिन में इंशाल्लाह हम उसकी IPv6 को भी देखेंगे, उसकी सबमिटिंग भी देखेंगे और उसके साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे।
तो ये चैप्टर 12 और चैप्टर यस चैप्टर 12 आएगा। चैप्टर 12 में IPv6 है सारा, तो वो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। अभी आपने ये जो 11.10.1 लैब है जो हमने नहीं किया, अभी हमने इससे पिछली लैब की थी, सेम लैब है, सिर्फ मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे इसको शुरू करना है। ओके, एक तो इस तरह का टेबल अपने सामने रखे, ये असाइनमेंट में भी मैंने भेजा हुआ था, और इसको ऊपर से एक दफ़ा ये बना लें चीज़ कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास नेटवर्क क्या है। और इधर तो फिक्स्ड होस्ट रिक्वायरमेंट थी, प्रॉब्लम ये फिक्स था, लेकिन हमारा प्रॉब्लम वेरी कर रहा है, तो द प्रॉब्लम इज़ कि इस नेटवर्क में इतने हैं, ये आप खुद अपने लिए बना सकते हैं असाइनमेंट। नेक्स्ट आप ये कैलकुलेट करते जाएँ। VLSM में सबनेट्स की कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कितने सबनेट्स बनेंगे, क्योंकि एवरी सबनेट इज़ डिफरेंट, ये सबनेट डिफरेंट है, ये उससे डिफरेंट है, ये उससे डिफरेंट है, ये उससे डिफरेंट है, तो हमें कोई सबनेट्स की कैलकुलेशन, हमने होस्ट की कैलकुलेशन करनी है, कहाँ से होस्ट स्टार्ट होते हैं। तो ये लैब प्रॉब्ली दिस इज द लैब, और इसमें थोड़ा सा आपसे जो रिक्वायर्ड होगा काम शायद ज़्यादा हो, कि इसमें ये दोनों राउटर्स के ऊपर आपने कन्फिग्रेशन करनी है और इसके सबनेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप लोग ये लैब कर लेते हैं तो प्रॉब्ली आपकी सबनेटिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि और असाइन द फर्स्ट यूजेबल आईपी ऑन राउटर लैन लिंक्स और वैन लिंक्स के ऊपर भी करना है, फर्स्ट यूजेबल राउटर वेस्ट और ईस्ट दोनों को कन्फिगर करना है, और असाइन द सेकेंड यूजेबल आईपी ऑन अप्रोप्रिएट स्विचेस के ऊपर भी इसी तरह आईपी असाइन करने हैं। अगर असाइंड हैं तो फिर नहीं करने, अगर नहीं असाइंड हैं तो करने हैं। ओके, अगर मैं चेक रिजल्ट्स करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। E1 सम कंप्यूटर है लाइक, इसको भी आपने कन्फिगर करना है, ईस्ट राउटर को भी कन्फिगर करना है, W1 W2 को भी कन्फिगर करना है, WS1 और WS2 को भी कन्फिगर करना है, और प्रॉब्ली ES1 ये हमारा ईस्ट का स्विच है, ईस्ट के दो स्विचेस हैं और वेस्ट के दो स्विचेस हैं, तो प्रॉब्ली इन सब को आपने कन्फिगर करना है। और अगर कोई PC की कन्फिग्रेशन है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर कोई लॉक्ड है प्रॉब्ली नहीं लॉक्ड है, अगर कोई लॉक्ड है तो बेशक आप उसको छोड़ दें। आप देखें इसको, ये लॉक्ड नहीं था, इसकी कन्फिग्रेशन नहीं हुई तो आपने ये करनी है। ठीक है, तो इस लैब के लिए आपको हर चीज़ प्लान करनी है। तो IP सबनेट आपको दिया गया है 172.16, तो आपने इसी वाली ये जो टेबल है इस तरह का एक टेबल शुरू करें और यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट शुरू कर दें कि आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे है 172, रिगार्डलेस वो किस क्लास का IP है छोड़ दें और जस्ट उसी को स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे 0 है, तो अब ये क्लास B का IP है 172.19.67, बट सब कुछ हमने इसी के अगेंस्ट कैलकुलेट करना है। हमने 0 की जगह 64.96.224 व्हाटएवर जो भी आपका सबनेट ID आएगा वो आप कैलकुलेट करते जाएंगे। और इसमें भी आपके कितने सबनेट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 सबनेट्स आपके ज़रूर बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये VLSM है तो आपने सबसे पहले देखना है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सबनेट, सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ से मैं आपको उसका शॉर्ट बता देता हूँ, इसमें 11 होस्ट हैं, इसमें 23 हैं, इसमें 19 है, इसमें 7 है, तो जनरली इट लुक्स के यहाँ पे तो दो IPs ही लगेंगे, तो दिस वन इज़ द लार्जेस्ट वन। तो आप इसको लिख दें इस तरह से लाइक ES2 जो है, ये जो स्विच का नेटवर्क है, ईस्ट का ये जो 2 नेटवर्क है, मैं इसको ES2 ही लिखता हूँ क्योंकि स्विच को हम सेंट्रली देख रहे हैं, इसका लार्जेस्ट रिक्वायरमेंट है विद 23 IPs, और सेकंड लार्जेस्ट किसकी है, 19 है, तो आप यहाँ पे लिखें ES1 विद द 19 IPs ये रिक्वायर्ड है। तो इनको भी आपने इसी तरह से बाकी सारे भी फिल अप करने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास WS1 विद 11, विद 11 IPs आ जाएगा, और ये 7 है, तो WS2 आ जाएगा विद 7 होस्ट, और इसको मैं वैन लिख देता हूँ, ये जो बीच में है ना ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, इसके अंदर 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है।
ओके, टू की जो रिक्वायरमेंट है, ये मैंने क्यों लिखी कि यहाँ पे दो ही आईपीस लगेंगे, एक इस तरफ लगेगा एक इस तरफ लगेगा, तो बाकी हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैन के लिए भी आपने एक सबनेट बाद में बनाना है जो कि टू का होगा। तो अब आप सबनेट स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो डेफिनेटली ये जो आपको होस्ट नेटवर्क दिया गया है ये वाला, आपने इसी को ही फॉलो करना, कोई अपनी तरफ से यूज़ नहीं करना क्योंकि ये लैब के अंदर चेक हो रहा होगा। ठीक है, ये वाला 172.19, तो आपने इसके अगेंस्ट ही आईपीस देने हैं, इसके अगेंस्ट ही सबनेट बनाने हैं। यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने देखना है 23 होस्ट कैसे अकोमोडेट होते हैं। तो एवरी वन नोज के 23 32 के ब्लॉक में अकोमोडेट हो जाता है, तो हम इसको स्लैश 27 के साथ शुरू करते हैं और इसके यूजेबल आईपीस 1 से लेकर 30 तक होंगे और इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा दैट विल बी 31। विदाउट गोइंग इन टू कैलकुलेटर और किसी और चीज़ के, हमने जस्ट क्विक कैलकुलेशन कर ली। ये याद रखना है कि आपने नेटवर्क आईडीज जो डिमांड जो दिया गया है वही आपने नेटवर्क आईडीज यूज करनी है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं यूज करनी। तो ये हमने विद नो कहने टाइम हमने जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर लिया कि ये आ जाएगा 224। ओके, ये मेरे पास क्विक कैलकुलेशन आ गई इस सबनेट की। बाकियों को भी आपने ऐसे ही प्लान कर लेना है, क्या 19 के लिए हमें कोई और कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होस्ट पोर्शन में और नेटवर्क पोर्शन में, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे 2 रेज टू पावर जैसे 5 करते थे, तो हमारे पास ये 30 का 32 - 2 आ जाता था। ओके, जस्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ आपने कैसे करना है, ठीक है। और ये फिर नेक्स्ट आपके पास, तो इस लैब में ये 5 नेटवर्क्स आपके बनेंगे और इनका कोई इनका कोई सबनेट मास्क होगा और कहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे जाके ये ख़त्म होते हैं, ठीक है। ये आपने पहले टेबल, ये टेबल बना लें, उसके हिसाब से फिर आप वो इंटरफेसेस को साइन कर लें। अभी देखिए यहाँ पे मैं माउस लेके जाता हूँ, ये मुझे दिखा रहा है गीगाबिट 0/1, तो ये स्विच 2 जो है वो गीगाबिट 0/1 पे इंस्टॉल्ड है, और अगर मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ ये मुझे दिखा रहा है गीगाबिट 0/0। तो आपने याद रखना है कि इस राउटर का जो इंटरफेस आप एक्सेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, इनेबल इंटरफेस गीगाबिट 0/0, ये किधर जा रहा होगा, ये ES1 की तरफ जा रहा है। तो ES1 के लिए जो आपने प्लानिंग की है, दिस इज ES1 प्लानिंग, प्रॉब्ली ES1 की प्लानिंग ये होगी, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा वो आप राउटर पे इस पे लगाएंगे इस सबनेट का, ठीक है। और जो अगर ES2 की तरफ इंटरफेस कनेक्टेड है उसका फर्स्ट यूजेबल आईपी ये 1 हो जाएगा। तो इस आपस में स्वैपिंग नहीं करनी, ठीक है, हर एक का अपना वैलिड आईपी है, वैलिड आईपी वैलिड सबनेट उसके हिसाब से लगाना है। इसी तरह इस राउटर पे जाएंगे तो यहाँ पे इसका इंटरफेस होगा जस्ट लाइक दिस 1 is gigabit 0/0 और ये gigabit 0/1। तो अगर आप लोग ये वाली लैब कंप्लीट करते हैं तो प्रॉब्ली एक तो आपकी सब VLSM की प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस आपकी कमांड्स अप्लाई करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन एनी केस नेक्स्ट लैब में आने से पहले पहले आपने ये जो लैब है 11.10.1 ये आपने ज़रूर कंप्लीट कर लेनी है।